हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ लखनऊ। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग स्पीसीज़ जो है एनिमल्स, इनका कंजर्वेशन किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है वो स्वैम डियर है। तो वहाँ यहाँ पर जो हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ ये है एक्सटेंड हो रहे हैं, इसीलिए इनका कंजर्वेशन करने के लिए जूलॉजिकल गार्डन्स और नेशनल पार्क जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जो है एक तरह से ये भी एक मैमल्स है और जो है क्या नाम इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स में जो है वो स्वैम डीस यहाँ पर इनका कंजर्वेशन किया गया है। गोरिल्ला, तो ये गोरिल्ला आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। कहता जाता कि ये जो है वो हमारे एंसेस्टर, ह्यूमंस के एंसेस्टर हैं, जो कि ये भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी से के साथ ये एक्सटेंड हो रहे हैं, इसलिए इनका कंजर्वेशन करने के लिए जो है वाइल्ड लाइफ और या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिज़र्व को ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि हमारी जो आने वाली स्पीसीज़ हैं या जो बची हुई हैं उनको बचाया जाए। इस वक्त जो मैं हूँ वो क्या नाम है जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ लखनऊ के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज़ जो है अलग अलग एनिमल्स की कंजर्व किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर देखिए। इसको लॉयन टेल्ड मकाको बोलते हैं, लॉयन टेल्ड मकाको। तो ये आप देख रहे हैं कि लॉयन टेल्ड मकाको एनिमल्स है, जो कि हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ ये एक्सटेंड हो रहे हैं, इसीलिए इनका कंजर्वेशन के लिए जो है वो सेंचुरीज और नेशनल पार्क और जूलॉजिकल गार्डन को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये क्या नाम है, ये इसकी जो टेल्स होती हैं वो एकदम लाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारी नॉर्मल्स जो है क्या नाम है इंडियन डियर है, जिसका जूलॉजिकल नेम जो है एक्सिस एक्सिस है, और ये हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो एक्सटेंड हो रही है, इसीलिए क्या नाम है लखनऊ की गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट इसका कंजर्वेशन करने के लिए जूलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या फिर बायोस्फीयर रिज़र्व को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं बहुत मल्टीपल स्पीसीज ऑफ, यह क्या नाम है आप देख सकते हैं इसमें। अल्ट्रा मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीसीज ऑफ इंडिया। यहाँ ही मेल है वो, यार वो मज़ा आ गया देख करके। दूर जाकर अपने खोले पता है, ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। मज़ा आ गया यार। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्टम्प टेल्ड मंकी है, जो कि हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनका कंजर्वेशन करने के लिए जो है हमारे देश के अंदर जो है वो नेशनल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन या एक्जीटू एंड इन जीटू कंजर्वेशन के थ्रू जो है हमारे देश के अंदर इन स्पीसीज़ को बचाया जा रहा है। और हमारे देश में कंजर्वेशन के थ्रू ही इनकी संख्या भी जो है इंक्रीज़ हुई है। देखिए ये बहुत, यहाँ मैं आपको रियल वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए इसके अंदर आप। तो ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिच बर्ड, जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, और अकॉर्डिंग टू मी शायद ये पूरे इंडिया का सब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये एवीज़ है, और ये सबसे बड़ा इसका एक भी होता है। ये तो एवीज़ बिलोंग करता है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है। तो ये भी हमारे देश के अंदर धीरे धीरे जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है इनका कंजर्वेशन करने के लिए जो है बायोस्फीयर रिज़र्व या नेशनल पार्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि इनकी जो नंबर्स हैं इनकी इंक्रीज़ किया जाए। हिमालयन विल्चर, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं, ये भी हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ एक्सटेंड हो रहे हैं, इसलिए इनका कंजर्वेशन करने के लिए जो है वो लखनऊ की गवर्नमेंट ने या लखनऊ की तो उसको कंजर्वेशन किया जा रहा है। नहीं है फूल सारी है। चलो ये दीवार क्लास एवीज से बिलोंग करता हुआ ऑस्ट्रिक, हिमालयन रीजन में पाया जाने वाला ये स्पीसी।
देखिए ये बियर है हमारे देश में, इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो मेल्यूरेसस अर्सिनस है, स्लोथ बियर जिसको हम कहते हैं, और ये भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से एब्सेंट हो रहे हैं, इसलिए इनका कंजर्वेशन करके इनकी नंबर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको हम हमारे देश का ये नेशनल एनिमल से जो कि वे बैठा हुआ है, ये भी हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसलिए रॉयल टाइगर या हम कह सकते हैं टाइगर नेशनल पार्क के थ्रू ही हमारे देश में इनकी संख्या को, इनकी नंबर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है। ये कार्निवोरस एनिमल्स है और ये मैमल्स है, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से क्या नाम है रन करने वाला ये एनिमल्स है। मैमल्स में अगर मैं बात करूँ तो यही सबसे तेज़ होने वाला एनिमल्स है, लगभग ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेते हैं। तो ये भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रहे थे, लेकिन इनका कंजर्वेशन करके अब इनकी संख्या को जो है इनक्रीज़ किया गया है। तो बहुत अच्छा म्यूज़ियम आपको यहाँ जू आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको तरह तरह के कार्निवोरस, हर्बीवोरस, एवीज, आपको तरह तरह के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा मुझे तो यहाँ पर। भालू, ये भी एक कार्निवोरस एनिमल्स है जो कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से एक्सटेंड हो रहे हैं। बियर हैं तो बैठा हुआ है यार, उठ ही नहीं रहा है। उठ जा मेरे भाई। पिकॉक, रोजी पैलेसियन, जिसका जूलॉजिकल नेम है पैलेसिनस ओनोकेरोटस। तो ये भी एक तरह की क्लास एवीज से ही बिलोंग करती है। बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है ये। कौन एनिमल भाई? या ईमू एनिमल्स स्पीसीज है, एवीज क्लास एवीज से बिलोंग करता है। और ये भी क्या नाम है, एक तरह का ऑस्ट्रिच से ही रिलेटेड, ऑस्ट्रिच लाइक स्ट्रक्चर इसका शरीर दिख रहा है। ईमू, ये तो भाई मैंने पहली बार देखा इस एनिमल्स या इस एवीज को। तो इसमें लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट ऑफ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाई द वे ऑफ इट्स एनिमल एंड ट्रीटेड। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, और वाकई में सही बात है कि हम अपने नेशंस को खूबसूरत तभी कर सकते हैं जब अपने हम एनिमल्स को कंजर्व करें, इनको बचाएं। तो खूबसूरती जो है, तो बहुत देर बाद मुझे रेप्टाइल्स मिले हुए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्टल, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रेप्टाइल जो है वो यही जीने वाले हैं। तो इनकी शेल जो होती है, और इसी शेल की वजह से क्या नाम है ये सर्वाइव कर गए, और आज तक ये जो है ज़िंदा बाकी है। तो रेप्टाइल्स आप देख रहे हैं, हमारे देश में वैसे भी रेप्टाइल भी जो है इनकी स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, इसलिए बहुत सारे एक्जीटू और इनजीटू कंजर्वेशन के थ्रू जो है इनको क्या किया जा रहा है, कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो ये है लखनऊ का जूलॉजिकल गार्डन, धनेश ओरिएंटल पेड हॉर्नेड हॉर्नबिल। ये भी एक तरह की एवीज है, देख लीजिए आप, बहुत अत्यधिक सुंदर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल एवीज है। और तो आज मैं आपको सारा का सारा जो है वो जूलॉजिकल गार्डन जो है लखनऊ का, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। क्या मज़ा आ गया यार इसको देख करके। ये देखिए इंडियन कॉक है जो आपको नज़र आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल है। ओहो, इसमें अलग अलग तरह की जो है वो फ्लाइटेड्स बर्ड है जो उड़ने वाली है। इससे इसमें आपको नज़र आ रहा होगा पिकॉक, ओ पिकॉक सॉरी, पैरट नज़र आ रहा होगा, और पैरट की स्पीशीज मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतनी साल बाद मैं जो है वो बर्ड को देख रहा हूँ। है ना, अरे अल्लाह उड़ गया, उड़ गया। ये सबसे ऊंचा प्राणी है पूरे विश्व का, जिराफ नजर का।
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जिराफ को देखा है इतनी नज़दीक से, और देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अपने पर गर्व भी कर रहा कि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, इन चीज़ों को पढ़ करके, इन एनिमल्स के बारे में जान करके मुझे बड़ा गर्व होता है। ओहो वाह, ये देखिए यहाँ पर लैमार्क निज़म थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो लैमार्क ने कहा था कि जब कि कोई एनिमल्स जो है अपनी अपनी ट्रंक को जब ऊंचा करता है किसी प्लांट को खाने के लिए, तो उसकी जो वो ट्रंक्स होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। तो अब यहाँ पर जो है वो लैमार्क थ्योरी अप्लाई हो सकती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं वो जो है वो लीफ को खाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा लगा ओ यार, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।